भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू है। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल का खौफ ऑस्ट्रेलिया के मन में बैठा हुआ है और भारत फिलहाल 17 ओवरों में 130 के पार पहुंच गया है। शुरुआत बेहद खराब रहने के बावजूद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने पारी को न सिर्फ संभाला है बल्कि संवार भी दिया। शुभमन गिल जहां 46 गेंदों में 61 रन बनाकर नाबाद है, वहीं आउट ऑफ फॉर्म चल रहे श्रेयस अय्यर ने भी 43 गेंदों में 54 बनाकर अपनी फॉर्म में वापसी के संकेत दे दिए हैं। फिलहाल दोनों के 114 रनों की साझेदारी हो चुकी है और इसी के साथ टीम इंडिया के सभी बॉक्सेस टिक होते नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात की जाए तो 4 ओवर 34 रन कोई सफलता नहीं स्पेंसर जॉनसन, जॉश हेजलवुड 4 ओवर 21 रन 1 विकेट, शॉन एबट 2 ओवर 24 रन कोई सफलता नहीं, कैमरन ग्रीन 3 ओवर 28 रन कोई सफलता नहीं, एडम जाम्पा 4 ओवर 23 रन, यानी कि आज किसी भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को बख्शा नहीं गया है। भारत की इस युवा ब्रिगेड ने जिस अंदाज से बल्लेबाजी अभी तक की है, काफी लोग जरूर ये सोच रहे थे कि इंदौर में ऑस्ट्रेलिया टीम कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन जिस अंदाज से भारत मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी कर रहा है, एक बार फिर 350 का स्कोर टीम इंडिया को काफी नजदीकी से दिख रहा है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।